ये क्वेश्चन नंबर 3 है. फाइंड द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स. तो जैसे -27/4 है, जैसे हम लोग पहले डिस्कस किए थे, हम लोग 27/4 करेंगे. 27/4 करेंगे या 27/4 करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसके सामने बस माइनस का साइन ही लगाएंगे. तो ये देखिए 4, 6 या 24 माइनस करेंगे 7 - 4 3 पॉइंट देंगे 0, 30, 4, 7 जा 28, माइनस करेंगे 2, एक 0 लगाएंगे, 4, 5 जा 20, माइनस करेंगे 0. तो 27/4 हमारा 6.75 होता है, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आगे लगा देंगे, बस इतना ही करना है. तो ये माइनस का साइन हम लगा के रखते हैं पहले से. 37/60, तो 60 × 0 = 0 माइनस करेंगे 37, पॉइंट देंगे 0, तो 66 × 360 माइनस करेंगे 10, एक 0 आएगा 100, 61 × 60 माइनस करेंगे 40, 100 - 60 = 40, एक 0 लगाएंगे 400, तो 66 × 360 माइनस करेंगे 40, और एक 0 लगाएंगे, देन 66 × 360 माइनस करेंगे फिर 40, तो ये 40 आएगा, और एक 0 लगाएंगे, फिर ऊपर एक 6 आएगा, तो ये 6 हमारा रिपीट हो रहा है, तो ये हमारा 0.616 6 के ऊपर बार रहेगा, यानी 6 हमारा रिपीट होता जा रहा है. ये नेक्स्ट क्वेश्चन है -18/125. तो 18/125 करते हैं, तो 125 0 से 0 माइनस करेंगे, 18 - 0 = 18 पॉइंट देंगे, यहाँ पे एक 0 लगाएंगे, 125 1 जा 125 माइनस करेंगे, 0 से 5 को माइनस नहीं कर सकते, 1 12 करें 10 - 5 = 5, यहाँ 7 है 7 - 2 = 5, और एक 0 लगाएंगे, अभी 125 × 4 करते हैं, 4 5 = 20 0 रख के 2 4 2 + 8 + 2 = 10 0 रख के 1 4 1 = 4 + 1 = 5 500, तो 125 4 = 500 माइनस करेंगे 50, एक 0 लगाएंगे, फिर 125 4 = 500 माइनस करेंगे 0, तो यहाँ 50 आएगा, और एक 0 लगाएंगे 500, तो 125 4 = 500, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा. और यहाँ देखिए 125 है, 125 को अगर हम लोग एक्सपेंड करेंगे, मतलब अगर प्राइम फैक्टर्स में करेंगे, तो ये 5 × 5 × 5 है, तो 3 5 यहाँ डिनोमिनेटर में है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, तो ये होगा 0.144. 18/25 का आंसर है, 18/125 का 0.144, क्योंकि माइनस का साइन है, इसके आगे एक माइनस का साइन लगाएंगे, तो ये -0.144 होगा. ये नेक्स्ट क्वेश्चन है -15/8. तो 15/8 करेंगे, 8 1 जा 8 माइनस करेंगे, 15 - 8 = 7 पॉइंट देंगे 0 = 70, 8 8 = 64 माइनस करेंगे 6, एक 0 लगाएंगे 60 8 7 = 56 माइनस करेंगे 4, 60 - 56 = 4, एक 0 लगाएंगे 40 8 5 = 40 माइनस करेंगे 0, तो माइनस का साइन लगाएंगे. 15/8 का आंसर है 1.875, उसको लिखेंगे. तो ऐसे ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग.